31 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। खबरें सामने आने के बाद से ही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में 31 दिसंबर सीमा हैदर का भारत में आखिरी दिन होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुंबई से कराची तक का टिकट करवाया गया है सीमा हैदर के नाम पर और इसी को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर लंबे वक्त से लाइमलाइट में बनी हुई है। एक तरफ उसकी जासूसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं वो जासूस तो नहीं, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इन सबके बीच एक खबर ये भी है कि सीमा सचिन की लव स्टोरी को लेकर अमित जानी नाम के प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं। इसमें वो लव स्टोरी की चर्चा तो करेंगे ही, इसके अलावा बहुत सारी बातों को दिखाया जाएगा। इसको लेकर कुछ तस्वीरें कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अमित जानी इसे बना रही हैं, लेकिन पिछले दिनों इसे लेकर विवाद छिड़ गया। लोगों ने कहा कि इस तरह की फिल्म भारत में नहीं बननी चाहिए और इन सबके बीच सपा नेता अभिषेक सोम ने तो सीमा हैदर और अमित जानी का पाकिस्तान का टिकट तक कटवा दिया। ये टिकट कटवाया है 31 दिसंबर का और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही सीमा हैदर भारत को छोड़ देगी। वैसे आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग नोएडा में शुरू हो चुकी है, जबकि सपा नेता अभिषेक सोम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कह रही हैं कि देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, अपनी हीरोइन लेकर पाकिस्तान चले जाइए। अमित जानी देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर विरोध चल रहा है कि क्या वाकई में सीमा भारत छोड़कर पाकिस्तान चली जाएगी। वैसे आपको बता दें, बार बार सीमा सरकार से गुहार लगा चुकी है कि उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, क्योंकि वहां पर तो एक बुरी मौत उसका इंतजार कर रही है। वो यहां पर खुश है, अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो उसे भारत की जेल में रखा जाए, अगर उससे कोई भी गलती हुई है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, लेकिन उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, ऐसी गुहार सीमा हैदर बार बार लगा रही है। फिलहाल जिस तरह से 31 दिसंबर का टिकट सीमा और अमित जानी के लिए कटवाया गया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या आपके हिसाब से सीमा को अब वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमें जरूर दीजिए। सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब आप जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो ज़ाहिर है खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यहीं, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं।